हेलो एवरीवन, तो आज मैं करूँगी मेरा फर्स्ट रिव्यू, या मैंने रिव्यू अब से पहले अपने चैनल पे नहीं करे हैं. सो मैं रिव्यू करूँगी इस लोरियल पेरिस ग्लो मून अम्योर हाईलाइट इल्यूमिनेटर ड्रॉप्स. सो ये मैंने लिया था फ्लिपकार्ट से, ये डिस्काउंट पे था. जब मैंने लिया था तब किसी भी इंडियन यूट्यूबर ने इसका रिव्यू नहीं कर रखा था, बिकॉज़ ये अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है. एंड या सो इस वजह से मैंने लिया था 02 Loving Peach. ये पीच टोन हाइलाइटर है, बट आई एम ट्रूली सेड दैट इट्स अ गोल्डन पीच हाइलाइटर. या सो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा. ये लोरियल पेरिस की ब्रांड का है. ये आपको रिटेल करता है 699 का. इसमें आती हैं दो शेड एंड या शेक वेल बिफोर, ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है. ये चलेगा ओपन करने के 24 मंथ, इट मीन्स 2 ईयर्स. या शेल्फ लाइफ अच्छी है, 2 साल. एब्सोल्युटली आप इसे ख़त्म कर ही देंगे. क्वांटिटी आपको मिलती है 15 ml. सो गाइस, ये आता है 2 शेड में. जो दूसरी शेड है उसका नाम मुझे नहीं पता है, 01 01 02, इस तरीके से नंबर वाइज है. तो जो 01 शेड है वो जाएगी लाइटर शेड की साइड. जो लोग लाइट शेड में हैं, मेरी मीडियम टोन है. मेरा परफेक्ट मैच फाउंडेशन है 2, जो मिलानी है वोम्बेश, एंड या मिलानी में है मेरा वोम्बेश, एंड मेबली में है मेरा 230 नेचुरल बफ. सो गाइस, अगर आप मेरी टोन के हैं तो इट्स परफेक्ट फॉर योर स्किन टोन. तो ये ड्राई स्किन वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज ये गाइस ये कुछ इस तरीके का है. होप यू सी दैट. या इट्स हाइलाइटी ग्लोई. एंड द मेन पार्ट, इफ यू हैव ड्राई स्किन इट्स बेस्ट हाइलाइटर फॉर यू, बिकॉज ये जल्दी से ड्राई नहीं होता है. और मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ मेरी स्किन. Let's give you a very within glow. ये इसमें literally guys, इसमें कोई भी chunky glitters नहीं है. ये बहुत ज़्यादा विद इन ग्लो देता है. एंड जैसा मैंने आपको बताया, ये हल्का सा ऑयल बेस्ड हाइलाइटर है. या मुझे फॉर्मूले के बारे में अच्छी, मतलब ज़्यादा अच्छी तो नहीं, बट या अच्छी नॉलेज है, मैं पहचान लेती हूँ प्रोडक्ट्स को. तो सीरियसली ये ऑयल बेस्ड है, जैसा कि आप देख रहे हैं, कोई भी चंकी ग्लिटर्स नहीं है. एंड सेकेंड ऑफ ऑल गाइज, अगर आप अपना मुँह भी फेस भी वॉश कर लेते हैं तो ये हाइलाइटर कहीं नहीं जाता है. थोड़ा बहुत हट जाता है, दैट्स नॉर्मल. बट या ऐसा नहीं है कि आपने लगा रखा था, फेस धोया एंड इट्स टोटली नेचुरल गया ग्लो, नहीं रहता है, काफ़ी टाइम तक रहता है. मैं इसे यूज़ कर रही हूँ अप्रॉक्स 1 महीने से, और मैं इसे या 1 महीने में मैंने इसे 15 डेज तो यूज़ किया ही होगा. तो एंड आई हैव अ वेरी 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 ड्राई स्किन, ड्राई स्किन. या सो आई क्लियरली सेड इट, इट्स अ बेस्ट हाइलाइटर फॉर अ ड्राई स्किन पीपल्स. या एंड आई सीरियसली सेड दैट मुझे इससे इतनी हाई होप्स नहीं थी, क्योंकि जो मैंने कुछ रिव्यूज़ देखे थे या उसके अकॉर्डिंग मुझे इतनी हाई होप्स नहीं थी. मुझे नहीं लगा था कि मुझे ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि मैं थोड़ा ब्लाइंडिंग हाइलाइटर पसंद करती हूँ.
बट जब मैं इसे कॉलेज लगा के गई हूँ एक दो बार, बिकॉज लॉकडाउन हो गया है, एक दो बार कॉलेज लगा के गई हूँ, सीरियसली विदन लुक देता है, बहुत अच्छा हाईलाइटर है। एंड या मैं इसकी जितनी तारीफ करूँ उतना कम है, बट अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, ऑयली स्किन पीपल्स भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। सो या इफ़ यू हैव ड्राई स्किन इज़ बेस्ट हाईलाइटर फॉर यू गाइज। मैं आपको बताती हूँ मुझे क्यों लगा ये ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट है, बिकॉज ये बहुत जल्दी स्किन पे ब्लेंड होता है। मेरे पास स्विस ब्यूटी की भी इल्यूमिनेटिंग क्रीम है, वो बहुत ज़्यादा ड्राई है। इफ़ यू हैव ड्राई स्किन नेवर बाय, वो ब्लेंड होने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम करती है कि अगर वो एक बार सेट हो गई ना वो ब्लेंड नहीं हो सकती। एंड इट्स सेट योर स्किन परफेक्टली, लाइक आपने लगा दिया कहीं नहीं जाएगा वहीं रहेगा, विद इन ग्लो देगा। और सीरियसली इफ़ यू like to buy any highlighter which stay you a long time, it's that. Yeah, drugstore affordable, बहुत अच्छा। आप अगर इसे underneath your makeup लगाते, underneath your foundation लगाते हैं, ये तब भी बहुत अच्छा glow देता है। And अगर आप इसे highlighter की तरह use करना चाहते हैं तब भी बहुत अच्छा highlighter देता है। And seriously it's worth your every मनी, एवरी सिंगल मनी। या आपको रिग्रेट नहीं होगा। सो आई होप यू लाइक इट। मैं मतलब मुझे इतनी आदत नहीं है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती हूँ, मुझे जो जो इसके प्लस पॉइंट लगे मैंने आपको सब बता दिए। एंड आई होप यू लाइक इट गाइस। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मोर कंटेंट। या and stay home, stay safe, and yeah guys, thank you so much.